यदि आपका भी खाता इंडियन बैंक में है और आप अपने अकाउंट का एक नया चेकबुक मांगना चाहते हैं, तो इसे आप बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही इंडस्मार्ट एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं और नया चेकबुक अप्लाई करने के लगभग 7 से 10 दिनों के अंदर नया चेकबुक बाई पोस्ट आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो इसे कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में इंडस्मार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें फिंगरप्रिंट या फिर एम पिन के जरिए लॉगिन कर लेंगे। मैं यहाँ पर इंडस्मार्ट एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। ये है इसका डैशबोर्ड। यदि आप इसके होम पेज पर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट स्टेटमेंट, एम पासबुक, फंड ट्रांसफर, नीचे में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो नया चेकबुक अप्लाई करने के लिए यहाँ सबसे ऊपर 3 लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड से कई ऑप्शन खुल जाएंगे, जिनमें से यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो सर्विस रिक्वेस्ट में भी कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें से ये दूसरा ऑप्शन है चेक सर्विसेज, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ चेक सर्विस में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिनमें से पहला वाला ऑप्शन है चेक बुक रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपने अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको 20 पन्नों का चेक चाहिए तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और यदि आपको 50 पन्नों का चेक चाहिए तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ दिया है कम्युनिकेशन एड्रेस और नीचे हमारे घर का एड्रेस शो हो रहा है, यही एड्रेस हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर है। हम चाहें तो इंडियन बैंक का नया चेकबुक बैंक में रजिस्टर एड्रेस पर मंगा सकते हैं या फिर हम चाहें तो किसी और भी एड्रेस पर मंगा सकते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए हमारा घर कहीं पर है और अभी फिलहाल में हम कहीं और रहते हैं, तो हम चाहें तो यहाँ दिया है अदर एड्रेस, इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम नया एड्रेस डालकर नए एड्रेस पर भी चेक मंगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं दूसरे जगह रहता हूँ तो मैं यहाँ पर नया एड्रेस डाल देता हूँ। तो हमने यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स है, इसमें हमें इस तरीके से चेक मार्क कर देना है। उसके बाद पेज को ऊपर खिसका कर यहाँ नीचे लिखा है अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 20 पन्नों का चेक मंगवाते हैं तो बिल्कुल फ्री होता है, यदि उससे ज़्यादा मांगेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। और चार्ज पता करने के लिए इस पर क्लिक करके यहाँ से चार्ज पता कर सकते हैं कि 20 पन्नों से अधिक का चेकबुक मंगाने पर क्या चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ नीचे दिया है कंटिन्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन के लिए आ गया है। यहाँ लिखा है रिव्यू एंड कन्फर्म डिटेल, यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। अब हमें यहाँ डाला है इंडस्मार्ट एप्लीकेशन का ट्रांजेक्शन पिन। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे तो यहाँ पर छोटा सा प्रोसेसिंग चलेगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया चेकबुक रिक्वेस्ट राइज सक्सेसफुल, यानी हमने यहाँ पे इंडियन बैंक का नया चेकबुक घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से इंडस्मार्ट एप्लीकेशन के जरिए सक्सेसफुली ऑर्डर कर दिया है। इस चेकबुक को हम चाहें तो अपने होम एड्रेस पर मंगा सकते हैं या फिर हम चाहें तो किसी और एड्रेस पर भी इस चेकबुक को मंगा सकते हैं। तो इंडियन बैंक का नया चेकबुक अप्लाई करने का ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।